दिल्ली से सटे ग्रेटर नोएडा में एक महिला को कार से अगवा कर गैंगरेप की सनसनीखेज वारदात सामने आई है। आरोपियों ने महिला को हरियाणा के सोने से अगवा किया था। इसके बाद वारदात को अंजाम देकर उसे ग्रेटर नोएडा के कासा इलाके में फेंक दिया। ग्रेटर नोएडा पुलिस 0 FIR दर्ज करके इस मामले की जांच शुरू कर दी है। 1993 ब्लास्ट केस में दोषियों की सजा पर आज सुनवाई होगी। कल हुई सुनवाई में डिफेंस लॉयर अब्दुल वहब ने सजा पर दलील के लिए 2 हफ्ते का समय मांगा था। कोर्ट ने यह अर्जी खारिज कर दी थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज लखनऊ में CDRI के नए भवन का लोकार्पण करेंगे, साथ ही नई प्रयोगशाला का भी भ्रमण करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल 3rd अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर कार्यक्रम स्थल रामाबाई अम्बेडकर मैदान में सुबह 6:30 पर पहुंचेंगे। 7:50 तक PM 51,000 लोगों के साथ योग करेंगे। वित्त मंत्री अरुण जेटली आज 4 दिवसीय रूस के दौरे पर रवाना होंगे। इस दौरे पर जेटली अपने रूसी समकक्ष से मुलाकात करेंगे। बिहार के मौजूदा राज्यपाल रामनाथ कोविंद राष्ट्रपति पद के लिए एनडीए के उम्मीदवार होंगे। बीजेपी संसदीय बोर्ड की बैठक के बाद बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने इसका ऐलान किया। रामनाथ कोविंद को राष्ट्रपति उम्मीदवार बनाए जाने पर सीएम योगी ने कहा था कि ये उत्तर प्रदेश के लिए गौरव का विषय है। दलित समुदाय के होने के नाते ये अत्यंत हर्षप्रद है। राष्ट्रपति उम्मीदवार के तौर पर रामनाथ कोविंद के नाम पर BSP सुप्रीमो मायावती ने जताया एतराज, कहा बीजेपी और संघ से जुड़ रहे हैं कोविंद। कांग्रेस नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि विपक्ष के साथ मिलकर कांग्रेस राष्ट्रपति चुनाव पर चर्चा कर रही है, अभी तक सरकार की तरफ से कोई प्रस्ताव नहीं आया। कानपुर में कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने कहा कि कांग्रेस सत्तारूढ़ बीजेपी के सामने दुम नहीं हिलाएगी और राष्ट्रपति चुनाव को लेकर अपनी अलग रणनीति बनाएगी। लखनऊ में गोमती रिवर फ्रंट घोटाले के मामले में समाचार प्रेस की खबर का बड़ा असर। इस मामले में सिंचाई विभाग के XEN ने गोमती नगर थाने में FIR दर्ज कराई। सूबे की योगी सरकार ने पूर्व मंत्री आजम खान को घेरने की तैयारी कर ली। सरकार ने कब्रिस्तान चारदीवारी योजना की जांच के लिए 3 सदस्यीय टीम गठित कर दी है। मेरठ विकास प्राधिकरण के VC और प्राधिकरण के कर्मचारियों का विवाद थम नहीं रहा। पुलिस ने MG अधिकारियों की शिकायत पर 57 लोगों पर मुकदमा दर्ज किया। गाजीपुर में हत्या के मामले में फरार चल रहे 2 आरोपियों को पुलिस ने सदर रेलवे स्टेशन से गिरफ्तार किया। पकड़े गए आरोपियों ने 11 जून को एक शख्स की लोहे की छड़ से हत्या कर दी थी। मुरादाबाद में आत्महत्या करने वाली प्रॉपर्टी डीलर की पत्नी का शव कोर्ट के आदेश पर कब्र से बाहर निकलवा गया। बताने की पिछले दिनों प्रॉपर्टी डीलर की पत्नी का शव घर में फंदे से लटका मिला था। कुशीनगर में पुलिस ने 6 हैकरों को गिरफ्तार किया। इन हैकरों ने UIDAI की साइट को क्रैक कर एक ऐसा नकली मैनुपुलेटेड सॉफ्टवेयर बनाया जिसके जरिए बगैर बायोमेट्रिक पहचान और ID के आधार कार्ड बनाया जा सकता है। गणराज में संक्रामक रोग बर्थ एस्फिक्सिया और बुखार की वजह से 1 महीने में 18 मासूमों की मौत के इलाज के दौरान मौत हो गई। यूपी रोडवेज की बस में इंसानों को शर्मसार करने वाली घटना सामने आई है जिसमें गर्भवती महिला घंटों तक दर्द से तड़पती रही लेकिन ड्राइवर और कंडक्टर ने बस नहीं रोकी। सहारनपुर में देवबंद कोतवाली क्षेत्र के मचोल गांव के पास बदमाशों ने दिनदहाड़े सहकारी समिति के अकाउंटेंट से 3 लाख रुपए लूट लिए। फतेहपुर में खागा कोतवाली के नौबस्ता रोड हाईवे पर बेखौफ बदमाशों ने दिनदहाड़े लूट की वारदात को अंजाम दिया। बाइक सवार बदमाश तमंचे के दम पर मनी ट्रांसफर कंपनी के एजेंट से 6.5 लाख रुपए लूटकर फरार हो गए। मऊ में करीब 2 महीने पहले हुई ज्वेलर्स की हत्या के मामले में पुलिस ने 2 बदमाशों को गिरफ्तार किया जबकि 2 बदमाश भागने में कामयाब रहे। कानपुर में पुलिस की कारगुजारी के चलते गैंगरेप पीड़िता तहसील भवन में अनशन पर बैठ गई। पीड़िता का कहना है कि 2016 में दबंगों ने उसके साथ गैंगरेप किया था लेकिन पुलिस की मिलीभगत के चलते अपराधी खुलेआम घूम रहे हैं और महिला अब गर्भवती भी हो गई।